सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको सबको मैं। ये तार ऊपर दिखा दे एक बार हमारे, और सबूत जब मिल जाएगा और पुलिस उस पर पर्चा दर्ज नहीं करेगी तो देखो पुलिस पर पर्चा दर्ज होगा। अब ये तार देख लो कहां जा रहा भाई, यहाँ से चोरी करवा रखी है, प्रशासन भी देख ले, एसडीएम साहब आ जाए यहाँ, फोटो फोटो देख लो भाई एक बार, न्यूज लगा रखी है, रखी है 15,000 रुपए महीना डीसी लेता है उससे इनसे। अरे तुम तो कचना कह रहे, तुम क्या समझ रहे हो? आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाटर कैनन की और आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं उनकी गाड़ियां यहां खड़ी की गई हैं। कुछ समय पहले इन गाड़ियों को आगे ले जाया जा रहा था, लेकिन वकीलों के एक साथ एकत्रित होने के बाद इन गाड़ियों को पीछे कर दिया गया। आप देख सकते हैं फुटेज में आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि ये जो गाड़ियाँ हैं अधिकतर तब यूज़ की जाती हैं, तब उपयोग में लाई जाती हैं जब माहौल ज़्यादा ख़राब होने लगे। ऐसे में आप गाड़ियाँ यहाँ अगर यहाँ आई हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल रहा होगा, किस तरह का यहाँ सिचुएशन रही होगी। क्योंकि जब इन गाड़ियों को अगर मंगाया गया तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जो हालात थे वो बेकाबू हो सकते थे। जिला प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले की भी पूरी व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक कि भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात की गई थी। हालांकि अब वकील हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, यहाँ से खाली नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जिला उपायुक्त का यहाँ से तबादला नहीं होगा वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जबरन वकीलों की पार्किंग पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि पिछले कई साल से गेट नंबर 2 की इस पार्किंग को बार एसोसिएशन ही चलाता आया है। अब जिला प्रशासन वकीलों की इस पार्किंग को अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहता है, लेकिन बार एसोसिएशन इनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने जिला प्रशासन पर कई संगीन आरोप भी लगाए। वहीं सीनियर अधिवक्ता महेश कुमार डागर ने बताया कि असंवैधानिक तरीके से जिला प्रशासन वकीलों की पार्किंग पर कब्जा करना चाहता है। इसी कड़ी में आज पार्किंग पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ बदतमीजी और उनके साथ मारपीट भी की गई। साथ ही कर्मचारियों से पार्किंग की पर्चियां में पैसे छीनने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। दानी आज क्या मैटर था, किस तरह पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी हुई है, पूरी तरह से तैनात है, क्या लगा फिर वापस इन्होंने अपने कदम उठा लिए? इन्होंने आके आज हमारे जो पर्ची काटने वाले हैं, पार्किंग जो हमारे एम्प्लॉय चला रहे थे, उनसे फोर्सफुली पैसे लूट लिए और उनसे पर्चियाँ लूट ली और ज़बरदस्ती यहाँ पे फोर्स भेज दी, वाटर कैनन वगैरह भेज दी और लाठी लेके पुलिस फोर्स भेज दी। देखो हमारे वकीलों के कम्प्लेक्स में कितना दुर्भाग्य की बात है, ये इस तरह से इन्होंने भेजी। तो मेरे पास फ़ोन आया, मैं जब तक घर ही था, कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्होंने कर दिया है। तो उसके बाद हमारे सारे वकील साहब इकट्ठे हुए, उसके बाद ये यहाँ से भाग गए वापस। हमने इनको 11 बजे तक का टाइम दे दिया था कि 15 मिनट का टाइम है, या तो आप भाग जाओ वरना तो लाठी चार्ज वकील करेंगे पुलिस पे। यानी पार्किंग वालों के साथ लूटपाट की गई, क्या वजह रही? चोरी, ये एक्चुअल में पहले से ही ना, ये डीसी जो है पलवल का, मैंने इनको आपके मीडिया वालों को भी दिखाया, ये पहले से ही चोरी करवाता है। इन्होंने 20 तो मोटरसाइकिल वकीलों की चोरी करवा रखी है और लाइट भी चोरी की दे रखी है। 15,000 रुपये महीने लेता है उनसे, ठेकेदारों से। तो ये इसका थोड़ा सा माइंड वैसा है, अजीब टाइप का माइंड है, तो भ्रष्टाचारी है ये। तो आज लाठीचार्ज की नौबत आ सकती थी? लाठीचार्ज अगर करते तो वकील करते इन पे, फोर्स नहीं कर पाती। प्रशासन को क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? मैं एक चेतावनी देता हूँ कि आज तो ये हरकत कर दी है, आज के बाद अगर कर दी तो ये बचेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो वकीलों के कैंपस में आके, हमारा और पुलिस का डेली का यहाँ मिलना जुलना होता है कोर्ट में, और फिर भी इन्होंने ये हरकत कर दी, हमारे कैंपस में आके फोर्स को घुसा दिया इन्होंने। इन्होंने मजाक बना रखा है, बिना कोई नोटिस है ना कुछ सूचना है, उसके बाद इन्होंने फोर्स यहाँ भेज दी, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो मैंने इसके लिए सारे हरियाणा में अपने होडल, हथीन, नूह, सब जगह पूरे हरियाणा और पंजाब में कॉल कर दी है, सभी इस पर हड़ताल कर रहे हैं, और जब तक इस डीसी का तबादला नहीं हो जाता हम इस पर हड़ताल पे कायम रहेंगे और कोर्ट का बहिष्कार रहेगा डीसी का आज से ही। साहब का जब तक तबादला नहीं होता डीसी कोई साहब नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया है, एक डीसी है सिर्फ पलवल का, इसका तबादला करा के ही दम लेंगे हम। यहाँ पहले आप लोग काम नहीं करेंगे? नहीं, कोई डीसी का पूरा हमारा आज से ही इसका बहिष्कार है।
एंड जब तक बहिष्कार तब तक होगा जब तक डीसी का तबादला नहीं हो जाता जी। डीसी साहब नहीं होता, ये जो सर्वेंट होता है प्रधान जी, ये जो पार्किंग का मामला है बताओगे जरा क्या मामला है? ये पार्किंग जितने भी हरियाणा में जो भी जुडिशियल पार्किंग है ना, जुडिशियल वाली पार्किंग, वो हमेशा वकीलों पे रहती है, और जो इधर की पार्किंग है जो सेक्रेटरीट वाली है वो डीसी पे रहती है। तो पूरे हरियाणा और उसकी हमने इनको पर्चियां मिला के दे दी, सबूत भी दे दिए कि हमारी पार्किंग हमारे पास रहने दो, आप फोर्स पुलिस को नहीं ले सकते हमारी पार्किंग को। क्योंकि जब डीसी के पास पार्किंग थी, हमारे वकीलों की रोज़ मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी हो रही थी, जो कि डीसी करवा रहा था चोरी भी। अब जब से हमने इसको टेक ओवर किया है 2 महीने हो गए हैं, एक भी चोरी नहीं हुई है। देखो बड़ी बात ये देखो, एक भी मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब सीधा प्रूव होता है कि डीसी ही चोरी करवा रहा था अपने। नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार डागर है, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। सर आज किस तरह का ये यहाँ? देखिए जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जब बना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर 3 गेट बनाए गए। गेट नंबर जो एक था इधर पलवल साइड से, वो डीसी साहब को दे दिया गया था कि ठीक है जी, इसका तो आप के जो ऑफिसर्स हैं वो यूज़ करेंगे। गेट नंबर जो 2 है बीच वाला मिडवल वाला, ये एडवोकेट्स को दिया गया था कि इसमें एडवोकेट और उसके लिटिगेंट जो लोग हैं वो आएंगे और यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह की पार्किंग करेंगे। जो गेट नंबर 3 है वो जुडिशियल के लिए था, वो केवल जजेस की एंट्रीज के लिए था या जजेस का जो स्टाफ है उसके लिए था। इस तरह से यहाँ पर जो स्टार्टिंग से जो नक्शा बनाया गया था उसी हिसाब से था। उसके बाद फिर भी तो डीसी साहब ने इसका पार्टीशन कर लिया, हमसे ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है इसको सारे को हम छोड़ेंगे। हमने इसका पहले से शुरू से विरोध किया, इससे पहले भी जो डीसी आए थे तब भी इसका पार्किंग का ठेका हम ही छोड़ते थे, अब भी हम ही छोड़ते हैं। लेकिन अब डीसी साहब ने ज़बरदस्ती आकर के हमारे जो है इस गेट को बंद कर दिया और ये कहा कि नहीं, इस पार्किंग को तो हम दें। ये मुद्दा जो बिल्कुल ही बेबुनियादी है और इस पर डीसी साहब का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इस पर इसका कोई हक। तो इसके वकीलों का जो हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनकी गाड़ियाँ आती हैं, हम डीसी का कोई भी जो अधिकारी है या कोई भी उसका जो नुमाइंदा इस गेट से ना कोई एंट्री करता है और ना ही यहाँ से कोई आ जाता है। ये उसकी मोनोपोली है, ये इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। तो आज किस तरह से हालात क्यों बिगड़े आज? आज हालात इस तरह से बिगड़े, बड़ा स्मूथली चल रहा था, हम अपनी पार्किंग चला रहे थे, वो अपना उनके चला रहे थे, उनके उन्होंने ठेकेदार ने उनसे कहा होगा कि मुझे पैसा नहीं आ रहा, कम आ रहा है या जो भी आ रहा है, उन्होंने कहा ठीक है तो मैं इस पर कब्जा कर लेता हूँ। ज़बरदस्ती लाया उसने अपना, भाई उनके पास में पावर है, सारा ब्लॉक, सारी जो मशीनरी है उसके अंडर है, पुलिस है, प्रशासन है। उसने कह दिया भाई वकीलों को कौन सुनता है, बंद कर दो ये गेट। उन्होंने यहाँ पे लाके गाड़ियाँ लगा दी, तब हमें पता लगा जब हमारे सुबह 10 बजे। नहीं किसी तरह की कोई लूटपाट की बात हुई थी? ना, जस्ट जो हमारे यहाँ पर जो 2 लड़के लगे हुए हैं, एक गगन है और एक और लड़का है, वो यहाँ पर थे, उन लोग ड्यूटी दे रहे थे अपनी, और जो भी आ रहा था उसकी पर्ची काट रहे थे, कलेक्शन ले रहे थे वो। तो यहाँ पर जो भी कोई अधिकारी उन्होंने भेजा, उनका नाम तो पास नहीं हुआ अभी, कौन आया था, तो उस अधिकारी ने यहाँ पर आकर के उन बच्चों के साथ मारपीट करी है, बदतमीजी करी है, और उससे जो हमारी जो ब्लैंक पर्चियाँ थी वो छीनी है, और उनके हाथ में कुछ जो कुछ कैश था सुबह करीब जितना वो बच्चे बताएंगे वो भी उन्होंने उनसे कलेक्ट कर लिया। तो अब किस तरह के बातचीत आपकी? नहीं, अब बातचीत कोई नहीं, उनकी तरफ से कोई बातचीत के लिए नहीं आया, और जब तक वो नहीं आते और हमारा उसको नहीं छोड़ते, हम यहीं बैठे रहेंगे, धरने पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। ये जो पार्किंग की बात थी जिस तरह से आज आप बता रहे हो पर्चियाँ लूटी गई, तो इससे पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी तरह कोई नोटिस नहीं है बिल्कुल भी, और हमने जुडिशरी को बता दिया था, उन्होंने कहा ठीक है हमारी पार्किंग हमारे पास। क्या कारण है कि भी ये डीसी साहब इस पर पार्किंग पर? डीसी साहब अपने पैसे कमाने के लिए करता है कि उसका जो है वो ठेका, उसके जो नुमाइंदे हैं वो अपना जो है पैसे कमाए, ये है उसका तो पैसे कमाने का धंधा उसका, उसको कोई काम से। मुरी जी, यहाँ जिला कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति है, भारी पुलिस बल है, क्या कहना है किस कारण से है? ये डीसी के कारण से तनाव की स्थिति है। जहाँ भी बार एसोसिएशन है उनके जो साइकिल स्टैंड होते हैं वो बार के ही हाथ में होते हैं, लेकिन इस डीसी ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए यहाँ पुलिस भेज दी सुबह सुबह लाठी डंडों के साथ, वज्र वाहन के साथ और वाटर कैनन के साथ, वकीलों को डराने के लिए। ये उसका बहुत ही जो आज उसका करेक्टर है बहुत ही जो है निंदनीय है। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए था बार के साथ तो डीसी को नरमी दिखाते हुए उनको शांतिपूर्वक चलाने देना चाहिए था इस साइकिल स्टैंड को। जब डीसी ने बीच में ये जब साइकिल स्टैंड ले लिया था तो वकीलों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई, आम लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई, और उन जिनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की डीसी की तरफ से। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये डीसी साहब पैसे लेते हैं, उनसे चोरियाँ करवाते हैं, बिजली की चोरियाँ करवाते हैं, और ये डीसी का तो तानाशाही रवैया रहा है। आज कैंपस के अंदर जाकर के देखो सेक्रेटरीट में हर जगह रिश्वतखोरी है। इस डीसी के कारण से सारे डिपार्टमेंट भ्रष्ट हैं, नगर परिषद भ्रष्ट इसी के कारण से है। नगर परिषद के कई कई कर्मचारी इस डीसी के कोठी के अंदर काम करते हैं, जो पैसा नगर परिषद से लेते हैं,
ऐसे भ्रष्ट डीसी अगर पलवल में रहेंगे तो यहाँ किस तरीके से जनता का भला होगा, जो वकीलों के साथ अपना तानाशाही रवैया दिखा सकता है, जो वकील न्याय के लिए लड़ते हैं, जनता को न्याय दिलाते हैं, उन वकीलों के खिलाफ लाठी लेकर के पुलिस को भेज दिया तो आम जनता के साथ क्या होगा।